एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी से। अभी हो रहा है आफ्टरनून का समय और जियो मार्ट से कुछ सामान मैंने ऑर्डर किया था ग्रॉसरी का, क्योंकि होली आने वाला है तो कुछ बनाएंगे। तो कुछ सामान मैंने ऑर्डर किया है तो वही आने वाला है, मैं उसी का वेट कर रही हूँ वॉलेट को लेकर। और अंदर मैं अभी मैं जस्ट एक वीडियो शूट किया है कुछ शॉपिंग हॉल काइंड ऑफ। तो ये सामान मैंने काफ़ी महीनों से मतलब मंगा रही थी। मैंने लिपस्टिक्स जब मैंने वो डिस्कार्ड किया था ना, उसी टाइम में मैंने ऑर्डर की थी। और आई शेडो पहले डब्बी मंगाया है और डायपर वगैरह तो ये तो सब आता ही रहता है, जब भी मतलब ख़त्म होता है तो मैं ऑर्डर करती रहती हूँ। सो ये जो वो ज़रूरतें हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं और इनको आप मतलब इग्नोर भी नहीं कर सकते हो, तो वो वाला सीन है। सो मैं अभी बस जस्ट वेट कर रही हूँ जियो मार्ट का। और आज मैं बहुत मतलब बाहर भी जाने वाली हूँ क्योंकि कई दिनों के बाद मैं इस तरीके से रेडी हुई हूँ। आज है फ्राइडे है आज, तो कई दिनों के बाद मैं इस तरीके से रेडी हुई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो मैं अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और आज इवनिंग में हम लोग थोड़ा मार्केट भी जाने वाले हैं क्योंकि मुझे टच को टीका लगवाना है और थोड़ा थोड़ा काम है छोटा मोटा वो भी करना है। और सो जब देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। और फिलहाल तो मैं वेट कर रही हूँ। जियो वाला कह रहा था कि मैं खड़ा हूँ बाहर और मैं बाहर आई तो कोई भी नहीं था और इस टाइम टच सो रहा है। सो लास्ट वाले ब्लॉग में आपने देखा ही होगा तक्ष ने क्या ब्लंडर किया है। सो कोई नहीं, ये भी लाइफ टाइम मेमोरी रहेगी। और विहान ने भी इस तरीके से किया था। विहान ने तो मेरी काफ़ी कॉस्टली लिपस्टिक थी वो मेरी ख़राब कर दी थी। मैंने मोदी केयर की ली थी, नहीं एम्बे की ली थी, एम्बे होता है हाँ ओरिफ्लेम उसकी ली थी। उसकी लिपस्टिक मेरी ख़राब कर दी थी। मुझे तब बहुत गुस्सा आया था क्योंकि 500 रुपये की लिपस्टिक यार मायने रखती है और उसने मेरी ख़राब कर दी थी। खैर उतनी नहीं कर पाया था विहान, लेकिन तक्ष ने तो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दी। तो देखेंगे ब्रश वगैरह से यूज़ करके कैसा रहता है उसके साथ एक्सपीरियंस। सो इससे पहले आपने मेरा हॉल वीडियो भी देख लिया है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में। मैंने कहा चलो मैं बाहर निकल के आई थी तो थोड़ा सा इंट्रो शूट कर लेते हैं। सो दैट्स इट, आ गया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आया था जियो से कुछ सामान। होली आ रही है तो होली के लिए कुछ चीज़ें चाहिए ही रहती हैं, तो वही मैंने मंगाया था। कुछ चीज़ें बनाने का सोच रही हूँ और जो डेली ग्रॉसरी आइटम्स रहते हैं तो मुझे जियो मार्ट से मंगाना सही रहता है, वरना क्या कहते हैं प्रॉब्लम हो जाती है। इनको इतना टाइम नहीं रहता कि ये जाकर ला पाएँ या मैं जाकर ला पाऊँ, तो वो पॉसिबल नहीं होता। जियो वाले अपने घर पर आकर दे जाते हैं। सो थोड़ा थोड़ा सामान जो भी चाहिए होता है मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। हर 10 दिन में एक बार मैं मंगा ही लेती हूँ जो भी थोड़ा बहुत सामान चाहिए होता है। कभी कभी 20 दिन भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, जब मेरा थोड़ा आइटम मतलब मुझे चाहिए होते हैं उस हिसाब से। और यहाँ पर किराने की वैसी खुली वाली दुकानें नहीं होती जैसे हमारे उधर यूपी में होती हैं, तो मैं वो दुकानें बहुत मिस करती हूँ क्योंकि मैं मतलब शादी से पहले लाती होती थी। और देखो यहाँ पर तक मैं कोई भी काम कर रही हूँ और ये लड़का मेरे पीछे पीछे ज़रूर आता है। तो यहाँ पर आ गया, देखो दिब्बा को चेयर बनाकर बैठ गया। तो बच्चों का घर होता है तो चुटर पुटर चीज़ें ज़्यादा आती हैं, जैसे बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, ये सब चीज़ें बच्चों को बहुत चाहिए होती है। ब्रेड हो गई, आजकल मेरे घर में ब्रेड ऑल टाइम मुझे बना कर रखना पड़ता है, नहीं तो बच्चों को विहान को आजकल सैंडविच बहुत पसंद है, तो कभी उसको कुछ नहीं खाना होता तो उसे सैंडविच बहुत पसंद आता है। और आज मैं जाने वाली हूँ डॉक्टर के भी दिखाने। सो फाइनली उसका मुहूर्त भी आ गया है। फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ अभी रेडी और मैं जाने वाली हूँ दिखाने। मेरे पैर में जो फंगल इन्फेक्शन हुआ है उसके लिए मैं जाने वाली, क्योंकि ये लेट आए हैं
तो जो मेरे को अपने स्टोन वाले डॉक्टर को दिखाने जाना था, तो वो नहीं हो पाएगा जाना क्योंकि अब वो थोड़ा दूर हैं। तो ये बोले अभी वो वाला डॉक्टर को दिखाया आओ। तो मैं आप सभी को दिखा दी, मेरा पैर की हालत बहुत ख़राब हो गई है। और ये मेरा ही आलस कह लो या मेरा ही लापरवाही कह लो, इतनी लापरवाही और कोई होगा नहीं जितनी मैं हूँ। सो मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है और बहुत ज़्यादा मतलब इचीनेस बहुत होती है। तो आप लोगों ने भी मतलब फंगल इन्फेक्शन हो गया था, तो मैंने क्या कहते हैं मतलब ये हो जाए फिर दिखाऊंगी, वो हो जाए फिर दिखाऊंगी करके अब क्या कहते हैं लग रहा है पैर काटने की नौबत आ जाएगी। सो मैं जाती हूँ दिखाने, क्या बोलते हैं डॉक्टर वो मैं आप सभी को बाद में बताऊंगी। और इधर में मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा मतलब पफिनेस हो रही है, स्वेलिंग जो कहते हैं, और मेरे बॉडी भी क्या कहते हैं स्वेल हो रखी है। सो आज मैंने बहुत सारी रील्स भी बनाए, क्योंकि जब आप रेडी होते हो थोड़ा तो होता ही है कि आप थोड़ा रील बनाओ और थोड़ा वीडियोस वगैरह डालो और इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह डालने का इसीलिए और ज़्यादा मन करता है, क्योंकि वहाँ पर फॉलोअर्स बहुत अच्छे मतलब बढ़ रहे थे मेरे। लेकिन मैंने महीने पर लगभग नहीं डाली वहाँ, तो वहाँ पर भी स्टक हो गया है काफ़ी दिनों से। तो आज मैंने कई दिनों के बाद डाला तो मेरे कुछ फॉलोअर्स बढ़े हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। एक एक फॉलोअर की कीमत मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरे को बहुत मुश्किल से मतलब मैंने गेन किए हैं सब्सक्राइबर हों फॉलोअर्स हों, बहुत मुश्किल से मेरे गेन हुए हैं। मेरे 3,000 बहुत टाइम बाद हुए हैं, क्योंकि जब मैं एक्टिव ही नहीं रहूँगी, जब मैं कंटेंट ही नहीं डाल पाऊँगी, तो मेरे चैनल को कोई विजिट ही क्यों करेगा, मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब ही क्यों करेगा। बट चलिए अन्ना आ गए हैं तो मैं जाती हूँ। अब से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर बनाऊँ, ये नहीं कहूँगी मैं जल्दी हो जाऊँ, मैं बना रही हूँ। सो मिलती हूँ आने के बाद। तो देखिए तक्ष यहाँ पे रो रहा था मेरे साथ जाने के लिए, तो मेरे भी ना धुक धुक होने लग गई थी कि पता नहीं रुकेगा नहीं रुकेगा और क्या रहेगा इस लड़के का, क्योंकि मेरे बिना वो एक मिनट नहीं दिखता है घर में। और कभी उसको आदत भी नहीं है कि मतलब मैं अकेली जाऊं, तो पास में ही था तो मैंने कहा चलो मैं दिखा कर आ जाती हूँ। और मैं अकेले बहुत कम निकलना होता है मेरा, बट अकेले भी निकलना चाहिए, मैं यही कहूँगी हर हाउस वाइफ को निकलना चाहिए अकेले। पता नहीं है। सो यहाँ पर मैं बैठी हुई थी और मुझे ना मतलब वेट कर रही थी, और एकदम से मुझे कैमरे में दिखाई दी यहाँ पर छुप कलियाँ, फिर तो बस मैं बहुत डर गई थी। सो फ्रेंड्स मैं आ गई थी अभी घर वापस, और मैंने दिखाया यूँ डॉक्टर को और मेडिसिन भी ले ली है। वहाँ पे भीड़ थी तो इस वजह से मैंने क्या कहते हैं वहाँ पे कुछ वीडियो वगैरह नहीं बनाया, और मैंने आपको दिखाया ना वहाँ पे छिपकली बहुत ज़्यादा थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि छिपकली के मेरे ऊपर ही ना गिर जाए, 3-4 छिपकली घूम रही थी। आपको तो शायद एक ही दिखी, लेकिन वहाँ पर 3-4 छिपकली घूम रही थी। सो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और एक पतंगा भी घूम रहा था, बहुत डर लग रहा था मुझे। मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है ना तो वो छिपकली से लगता है। सो वही है, तो मैं दिखा कर आ गई हूँ। और मुझे जो प्रॉब्लम बताई वो एक्जिमा बताई है मुझे, फंगल इन्फेक्शन में बोल रही थी, मुझे एक्जिमा है, उसकी मेडिसिन उन्होंने दे दी है। तो बोलते हैं देखते हैं 1 हफ्ते बाद क्या रहता है रिज़ल्ट। तो ट्यूब दिया है लगाने को, मेडिसिन दी है खाने को, तो लाइफ बस यही रह गई है, मेडिसिन वगैरह खाते रहो बस। पता नहीं कब मेरा इन मेडिसिन वगैरह से छुटकारा मिलेगा। सो अभी मैं जाती हूँ, दाल चावल बनाऊँगी सिंपल, और कुछ ज़्यादा करने का मन नहीं है, चेंज करती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, बहुत गर्मी है।